हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग भाई। आज तो मैं मस्त सोई हूँ, छुट्टी पर आई हुई। छुट्टी बनाते बनाते ना अलार्म लगाया ना कुछ, मैंने कहा जैसे मेरा बॉडी क्लॉक बनेगा मैं वैसे उठूंगी। लेकिन थोड़ा जल्दी उठ गई, उस हिसाब से सोची थी कि मैं 10-11 बजे तक सोएगी आज, पर नहीं हो पाया। 3-4 बार उठी, टाइम देख रही थोड़ा और सो लेती हूँ क्योंकि युवान किया, सबकी छुट्टी है आज भाई, तो आज हमने मजे किए, तो नो वॉकिंग टुडे। हाँ, लेकिन शाम को जाऊंगी, वो तो कवर अप कर लेंगे भाई, करना तो है, सुबह नहीं तो शाम को सही। तो आज हम लोग छुट्टी है तो देखते हैं कुछ प्लान बनता है कि नहीं। नहीं बना तो मेरा खुद का बहुत प्लान है भाई, ये शक्ल जो देख रहे हैं उसको थोड़ा सुधारनी है। आज संडे को मेरे घर में एक गेट टुगेदर है, मैंने आपको पहले ही ब्लॉग में बता दिया था, चाचा के घर पर, तो उसी की तैयारी करनी है भाई, थोड़ा सा तो मुँह सुधार लेंगे। बाल वाल तो मम्मी क्या करती, लेकिन बाकी सब काम तो अपना यहीं पर नज़दीक में, तो मोस्टली तो मैं वही जाऊंगी और फिर देखते हैं और कुछ प्लान है क्या। पर अभी सबसे पहले तो हमारी चाय, मतलब इतनी ज़्यादा मेरे को हो रही ना, कोई सोचती हूँ मैं कभी कभी आरती है इधर की भाई, चाय पी के मैं वॉक करने जाती हूँ, बताओ सुबह सुबह इतना शुगर इंटेक हो जाता है तो क्या ही फायदा। लेकिन यार कंट्रोल नहीं होता, पहले नहीं था ये, जब से ऑफिस जाते थे ना तो वो चाय कॉफ़ी इस सब की ना आदत पड़ गई थी, वरना मैं इतनी चाय वाय नहीं पीती थी। तो वो दोपहर में भी चाय पीना, मतलब हमारा तो काम भी वैसे होता था, बहुत लंबा लंबा काम होता था भैया, इतनी मैंने चाय की चाहस जो होती थी ना वो मुझे ऑफिस से लगी थी। लेकिन करेंगे धीरे धीरे, इसको भी थोड़ा सा कम करेंगे, बंद तो नहीं कर सकती भाई, बंद तो कभी नहीं कर सकती। अगर ऐसे बात हुआ तो मुझे वो एक रील बहुत चल रहा था, अभी मैंने बनाया नहीं है उसके ऊपर। हाँ, आज मुझे रील्स भी बनानी है भाई, मम्मी और मैं बनाने भैया आज, तो रील्स पहले तो रील्स बनानी है। तो वो थी ना कि भाई डॉक्टर अगर हमसे कहता है कि हम चाय छोड़ दें तो हम उस डॉक्टर को ही बदल देते हैं, तो हम उस कैटेगरी के लोग हैं, चाय नहीं छोड़ सकते, नो स्ट्रिक्टली नो। आज का नाश्ता है स्प्राउट्स, स्प्राउट्स का के बीच में बहुत एसिडिटी हो रही थी, तो आज मैं बहुत दिन बाद ट्राई कर रही हूँ, क्या पता फिर एसिडिटी होगी तो छोड़ दूंगी फिर से। सबको अच्छा फ़ायदा करता है, मुझे नुकसान करता था बीच में पहले, आई डोंट नो अब क्या है सिचुएशन, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग। मूंग था, मम्मी ने स्प्राउट किया था तो मैंने कहा चलो मैं निकल गई हूँ अपने चेहरे का ज्योग्राफिया सुधारने, और मम्मी कहाँ जा रही है? आटा मम्मी घर का ज्योग्राफिया सुधारने जा रही है, घर का सामान नहीं। आ गई हूँ मैं अपने चेहरे का जो ज्योग्राफिया है सुधारने, और ये है सीमा जी जो मुझे थोड़ा सा और सुंदर बना देती है हर बार। तो चलिए देखते हैं मेरा आज ये क्या मेरे चेहरे के साथ करती हैं। कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है हम लोग को थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए। तो भाई चेहरा तो काफ़ी साफ लग रहा है और इतना रिलैक्स लगता है ना, फेशियल वगैरह करा कर इतनी मैं तो मस्त सो जाती हूँ। तो अब आ गई मेरे पैरों की बात है, मुझे ये लाइट चेंज होती है और एक गुनगुन करता है पानी में, बड़ा मज़ा आता है, एकदम रिलैक्सिंग लगता है पैरों का। पेडिक्योर तो करवा लिए लेकिन पहन के आई हूँ शूज, तो वेट करना पड़ रहा है जब तक ये नेल पेंट ड्राई नहीं आ जाती। अब जा रही हूँ मैं घर, 12 बजे की आई 3 बज रहे थी, लगी बहुत तेज की भूख, जल्द से जल्द घर पहुँची और कुछ खाऊँ। आलिशान खाने का ही मन नहीं कर रहा था, वो लोग पूछ रहे थे कुछ और खाना है ऐसे ऐसे, लेकिन बट मैं वही हो जाता प्रॉपर खाना खाऊँ तो ठीक है, तो इसमें एसिडिटी की दिक्कत। देखिए इतनी देर वेट करने का कोई मतलब नहीं हुआ, नेल पेंट तो मेरी निकल ही गई। वो उसमें 10 मिनट रुकी थी यहाँ कि ये ड्राई हो जाए और फिर मैं शूज़ पहनूँ, और मैंने अक्सर पेडिक्योर जब भी कराना होता है ना वहाँ पहुँच के रियलाइज़ होता है कि मैंने आज शूज़ पहना है, और ये मेरे साथ अक्सर होता है ना कि मैं वेट करूँ और नेल पेंट, आज तो मैंने बहुत देर वेट की थी लेकिन फिर भी नेल पेंट निकल गई। बट लकीली इस शेड की नेल पेंट मेरे पास है, सो आई एम सेफ दिस टाइम। तो मैंने इसलिए जानबूझ के यही लगवाई भी थी कि अगर बाई चांस वापस मेरे साथ ये हादसा हो जाए तो मेरे पास बैकअप है भाई, क्योंकि इसी कलर की मिलती जुलती ड्रेस पहनने वाली हूँ। मसाज वसाज करके आओ ना तो मन करता कि मस्त नींद ले लूँ, इतनी नींद आ रही है। लेकिन आप इनको देखिए जरा, पूरी दुनिया सो जाएगी ये सोएगा नहीं, और एक तो आज लेट उठा है तो दोपहर भर मम्मी ने इसकी सेवा की है, अब आ गई मेरी बारी, अब मैं जग रही हूँ।
यू वांट कम हियर, यू वांट कम हियर, डोंट गो इन दैट रूम। तो अब इनको देखना पड़ेगा, आप देख लीजिए मैंने फिर वही कपड़े पहन लिए क्योंकि वार्डरोब अरेंज करने का आज भी मुझे फुर्सत नहीं मिली। करेंगे, कल करना ही पड़ेगा, कल करेंगे। तो मैं घूम फिर के ये दो ही कपड़े पहन रही हूँ। यस, दैट इज योर ओल्ड आईडी कार्ड। तो अब कब तक यही कपड़े पहनू ना, रोज हर अल्टरनेट डे में यही चेंज कर रही हूँ। तो अब वार्डरोब अरेंज करना ही पड़ेगा कल। आप ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये मेरा बैच है। ये आपका बैच है? तो बैच ऐसे टी शर्ट में क्यों लगा रहे हो? ऐसी ऊटपटांग चीजें ये करता है। अभी मैंने रखा है बेटा, दे दो मुझे, वो सेव करके रखना है। इसकी फर्स्ट आईडी कार्ड मैंने निकाल के संभाल के रखी थी भाई, सामान इनका, अभी वो भी अरेंज करना है। मुझे पता है जिनकी नई किताबें आई हैं, सब कुछ शेल्फ में, सब चीहुआन की ना जूनियर के जी की बुक्स अरेंज करनी है। अभी तक मेरे नर्सरी वाला भी जो है वैसे ही रखी फिलहाल, तो क्योंकि बुक्स तो इनकी स्कूल में सबमिट कर देनी होती है, लेकिन कुछ होमवर्क रहता है जो कि मंडे ऑनवर्ड्स चालू हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें अभी मिलेंगी। तो मुझे कल ही, बिकॉज संडे तो मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मेरे पास एक कल का ही दिन है जिसमें मुझे मेरा वार्डरोब, युवान का बुक शेल्फ, सब कुछ अरेंज करना है। मुझे ना लगता है कि बच्चों के बॉडी में ये ना कुछ तो ऐसा सेंसरी एक कुछ तो डिवाइस फीड किया है भगवान जी ने, क्योंकि उनको जब लगता है कि हाँ अभी इसकी मम्मा कुछ करने जा रही है, तो इसको सोने दे देता हूँ जब नहीं सोना चाहिए, और जब सोना चाहिए तब उसको उठा देते हैं युवान के साथ। तो यही होता है, आज वो खेला खेला खेला, फिर शाम को 6 बजे के आसपास सो गया। अब मुझे लगा भाई अभी इतना लेट सोया है तो मस्त ये सोएगा, तो मैंने सोचा चलो 8:30 तक उसको सोने देती हूँ, और हम चाय वाय पी के मैंने सोचा था चलो भाई वार्डरोब अरेंज करूँ, बिकॉज वो बहुत अर्जेंटली में मुझे करना है, क्योंकि मेरा एकदम बिखरा पड़ा है। मैं जैसे आपको बताया एक ही दो ही कपड़े वो चेंज कर करके पहन रही, ऐसी सिचुएशन आ गई है। तो लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि चलो भाई श्री गणेश करते हैं, युवान सिंह उड़ गए, मामा डिड्डू, मतलब धीरे धीरे, और सोया नहीं है, उस आधा घंटे ही सोया रहेगा, फिर 6 बजे सोया था, 6:30 बजे तो उठा। तो अब क्या, अब वार्डरोब गया तेल लेने, पहले तो इनको लेके चलो नीचे, क्योंकि घर में रहेंगे तो और परेशान करेंगे, और भाई भी घर में क्या ही रखना उसको भी। तो अब हम जा रहे हैं नीचे, हवा भी अच्छी चल रही है, चलो थोड़ा चेंज भी हो ही जाएगा। लेकिन अब वार्डरोब कल मुझे सुबह सुबह पहले वही काम करना पड़ा। तो आ गई हूँ मैं युवान को लेके नीचे, और आज युवान का साइकिलिंग का मूड हो गया। युवान, अरे मी एंड युवान वी आर ट्विनिंग, वी आर रनिंग ब्लैक ब्लैक, यस। तो ये देखिए साइकिल, अब ये इतना मुझे भगाएंगे ना, जिस दिन साइकिल लेके आते मुझे वॉकिंग करने जॉगिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मुझे खुद ही भगाता है। मैं अभी स्लो मामा फोन पे युवान, और ना डर लगता है क्योंकि गाड़ियाँ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से, ये नीचे से पार्किंग से गाड़ी आती है, आगे भी है, नीचे वाले गार्डन में है साइकिलिंग ट्रैक, लेकिन वहाँ पहुँचने तक युवान सिंह ना एकदम से चार्ज हो जाते हैं, फुल फॉर्म में रहते हैं, बच्चे भी होते हैं यहाँ पे, तो मुझे उसके साथ साथ ही मोमेंटम में रहना पड़ता है। तो मेरी फिटनेस का आज मेरा बेटा है। तो अब युवान आ गए हैं साइकिलिंग करने, ये देखिए हमारे गार्डन का नाइट व्यू। या नाउ यू कैन प्रेस द बेल। अब ये है तो साइकिलिंग ट्रैक, लेकिन लोग युवान साइकिलिंग करने आए थे ना, आप गार्डन में नहीं जाना है, एक राउंड मार लो फिर चलो, विल सी दैट साइड कम। तो जैसा मैं बता रही थी, ये हमारे गार्डन का देखिए, सुबह आप देखते ही हैं, शाम को भी ये बहुत सुंदर लगता है। चलो बेटा चलते रहो। तो भाई ऐसे ही था आज का दिन, अपने ऊपर ध्यान दिया, थोड़ा सा आराम किया। अच्छी बात ये हुई ना कि युवान भी ज़्यादा नहीं सोया है, और नीचे भी खूब उसने मस्ती किया, आज साइकिलिंग किया। हीरा को ढूंढवाने के चक्कर में मैंने पूरा उससे 2-3 राउंड मरवा दिए, आज हीरा आई नहीं थी नीचे, तो उसको वेरी जीरा करके ऊपर नीचे कराता था, कि थके तो सही कम से कम, तो थक के एकदम मस्त अब वो नींद ले लेगा और हम भी सो जाएंगे, क्योंकि मैंने भी सिर्फ पावर नैप ही दिया था, उतना तो मैंने कुछ एकदम बहुत लंबी स्लीप नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं तो वो चलिए अभी भी, आँखें अभी इसलिए हैवी ही है। बस अब ये ब्लॉग एडिट करके पोस्ट करके हम भी चलें सोने। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा।